तो हेलो गाइस नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैक एंड चीज बॉल। तो गाइस सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे मैक्रोनी उबला हुआ, ये है एलोपेनो, ये पार्सली है, ये स्प्रिंग ओनियन है जिसे हम स्कैलिन भी बोलते हैं, तो ये है हल्का चिल्ली पेस्ट कलर के लिए, ये हमारा वाइट सॉस और ये चेडार चीज़ हो गया और ये मोजरेला। तो गाइस ये इंग्रेडिएंट के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज बॉल। तो आप हमारे साथ रहिए और देखिए कि बनता कैसे है मैक एंड चीज बॉल। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे गार्लिक का तड़का लगाएंगे, इसमें लीक सैल्ट भी मिक्स है ऑलरेडी। तो अब हम डालने जा रहे हैं व्हाइट सॉस, थोड़ा सा व्हाइट सॉस डालेंगे। तो अभी मैं रेस्टोरेंट के लिए बना रहा हूँ तो अलाकार्ड में चलेगा ये हमारा। तो आप अपने घर पे भी बना सकते हो, सिंपल चीज़ है, कोई इतना वो नहीं है, आसान है। आपके पास दूध होगा, मैदा होगा, घर पे सब कुछ अवेलेबल रहता है ये चीज़ें। तो आप तो हमने इसमें पार्सली डाला, अभी अब डालेंगे हम स्प्रिंग ओनियन जिसे हम स्कैलिन भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा एलोपेनो डालेंगे और थोड़ा सा कलर के लिए इसका चिली पेस्ट डालेंगे। तो इसको मिक्स करके ये देखिए भाई कितना प्यारा कलर आया, इससे भी और बढ़िया कलर आएगा। अभी हम चेडार चीज़ डालेंगे, मोजरेला चीज़ डालेंगे तो उसका टेक्सचर, और हम डालेंगे मोजरेला चीज़। तो मोजरेला चीज़ से क्या होता है कि उसका जो बाइंडिंग होता है तो बढ़िया आएगा। तो आपको खाने के लिए भी पूरा क्या बोलते हैं, तो ये देखिए अब हम डालेंगे चेडार चीज़। तो ये चीज़ को मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा हम सीजनिंग करेंगे, में डालेंगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, हल्का ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए हाय हाय, इसका लेयर देखिए गाइस, जो मैक एंड चीज बॉल में है ना गाइस, चीज़ का मज़ा होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ी होना चाहिए, चीज़ी। अगर चीज़ नहीं है तो लेयर नहीं है तो कोई वो नहीं है। ये देखिए हमने माइक्रोनी डाल दिया इसमें, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर ऐसे रख देंगे तो ये हल्का ठंडा हो जाएगा। तो गाइस जी हम अभी रेस्टोरेंट अलाकार्ड के लिए बना रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, तो आप घर पे बना रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप ऐसे करके बना सकते हो। तो ये देखिए लास्ट में इसका टेक्सचर ऐसा रहेगा। फाइनली हमारा ये मिक्सर तैयार हो चुका है, ये देखिए चीज़ का लेयर कितने बड़े बड़े ऊपर तक आ रहा है, चीज़ भी हमारा ये देखिए। हम रेस्टोरेंट अलाकार्ड के लिए बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, आप घर में ट्राई करोगे तो कम क्वांटिटी में आप बना सकते हो और बढ़िया स्नैक्स का लुक ले सकते हो आप। तो गाइज ये तो हो गया हमारा आज का मैक एंड चीज़ बॉल का। तो गाइज ऐसे ऐसे रेसिपीज़ के देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऊपर दबे हुए लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पर जाके आपको मेरे जो भी डालूँगा सब्सक्राइब वो सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें रेसिपी। ठीक है हम लोग अभी अलाकार्ड के लिए बना रहे हैं, तो दो चार ट्रे भर के बनाते हैं। तो ये देखिए बॉल दिखा।
ये देखिए इतना इतना छोटे छोटे बॉल करना पड़ता है, तो ये बाद में ब्रेड क्रम लगा के बैटर में ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो गाइज ये देखिए अभी हमने इसको जो हमारा मिक्सर था थोड़ा फ्रीज में रख के हल्का ठंडा किया, तो हम इसको गोल गोल बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे गोल बना के, बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद आफ्टर इसमें ब्रेड क्रम लगा दिया हमने, अब हम डालेंगे इसको ऑयल में। ये देखिए अब हम डालने जा रहे हैं इसका टेम्परेचर होना चाहिए आपका 180 से 200 तक। अब ये फ्राई हो रहा है,